तो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो देख ली, लव यू और थैंक यू फॉर द व्यू। नहीं देखी तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा ये आई का आइकन, वहां पे दबाओ और देखो। तो सीरियस हो गए, अब थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। राम राम सारे ने, तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रसी ट्रैवलिंग टॉक से, क्या एक नया ब्लॉग। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे ब्लॉग। और हाँ, जाते जाते यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड सब्सक्राइब की बारिश, मन को बहुत अच्छा लगता है। मुंबई तो दोस्तों, यू माइट बी हैविंग अ बैड डे और व्हाट नॉट, ठीक है। आज आपका दिन नहीं बना होगा तो ये वीडियो आपके लिए, अब थोड़ा स्माइल हो जाए। सही है, मेरे को अच्छा लगता है मुंबई। पता है लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं दिल्ली से हूँ, मेरे जोक्स और कंटेंट बहुत दिल्ली ओरिएंटेड होता है, तो मुझे मुंबई पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, लव मुंबई। हाँ, सिर्फ दिसंबर से मार्च तक जब यहाँ पे वो एकदम प्लेजेंट मौसम नहीं हो जाता है, जिसको बाय द वे आप लोग मुंबई विंटर्स बुलाते हो। हिम्मत है आप लोगों की, मैंने कहा। मैं जनवरी में स्वेटशर्ट पहन के, मैं एयरपोर्ट, अगर आप बॉम्बे से हो तो माफ करना, ये विंटर्स हैं तो लोनावला में तो बर्फ गिर रही होगी। और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे लोग, सनसेट के बाद ना थोड़ा चिली हो जाता है तो हुडीज निकाल लो, हुडीज कि कहीं कान से ठंडी हवा ना चली जाए अंदर। कैसी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हो तुम लोग यहाँ। आई लव मुंबई। मैं रहा हूँ यहाँ पे 2 साल यार, मतलब मुझे याद है कि जब मैं रहा था तो ये दिसंबर से मार्च मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो 2 महीने आते हैं वो गंदी गर्मी के, है ना, एकदम घर से आप बाहर निकले चप सब चिपक जाएगा आपसे, चप 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 चप, हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सब वेट करते थे, हाँ मानसून आ जाए, मॉनसून आ जाए, फिर वो आते हैं और वो आते ही जाते हैं, बहन चो अपने साथ सब ले जाते हैं। दीदी क्यों नहीं आई, बह गई। पर कह रही थी परसों तक वापस आ जाएंगी। ये भी तो होता है, काम नहीं छोड़ता मुंबई में कोई, बह बुआ के वापस आ जाएगी काम करने। मैं जब पहली बार यहाँ रहता था, मुझे याद है जब मॉनसून शुरू है ना, पहले 5 दिन तो बड़ा मजा आ रहा है कि वाह यार फ्रेश हवा, ग्रीनरी, पानी। फिर वो ना 2 हफ्ते हो गए यार, धूप निकल रही है। मैं कहा भाई ये कच्चे कहाँ सुखाने हैं यार, तेरे बेडरूम में पंखे नीचे, तो जिस बेड पे मैं सो रहा हूँ उसी पे कच्चे भी सो रहे हैं, वहीं गीले कच्चे वहीं से पहन लो, वहीं सुखा दो उसी पंखे में। 3 महीने लव यू मुंबई, ओहू मानसून, 3 महीने गीले कच्चे पहन के घूमा हूं मैं। सुबह रोटी बनाते शाम तक नहीं खाई, उसमें फंगस लग गई है। कहीं पेस्टो रोटी कौन लगी है घर में यार, दीदी ने फोकाशिया ब्रेड बनाई है आज। सही है, सही है, सही कह रहे। लोकल ट्रेन बहुत पसंद थी क्योंकि दिल्ली में ये नहीं थी, दिल्ली में मेट्रो थी जो यहाँ भी बन रही है। हौसला रखिए, बन जाएगी। अभी तो काफी बन चुकी है यार भाई, ये कोलाबा सीप्स बैंड्रा वाली कब से खुदी पड़ी है यार। कई बार तो मेरा मन करता है मैं ही बोल दूं, भैया मैं फ्री हूँ हेल्प कराने के लिए, आ जाओ 2 घंटे, आ जाऊंगा मैं, चल क्या रहे हैं, बताते भी नहीं हो, खोल दो। ओ
अंधेरी में वो पिलर वाली मेट्रो बन रही है, वो कुछ अलग ही लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ। वहाँ देखे कुछ पार्ट्स हैं जो पूरे रेडी हैं, पिलर, गर्डर, खंबा, ट्रैक, उसके आगे खुदा भी नहीं है। ये कैसी प्लानिंग है? अगला स्टेशन डीएन नगर। नो कमेंट, नो ऑफेंस, सॉरी, बालकनी में खुलेंगे। ओ सॉरी, वो तो नहीं। दरवाजे आपके बेडरूम में खुलेंगे, कृपया हट के खड़े हो। ये कैसा ठेका बटा ठेकेदारों में, एक बंदा बना के घर चला गया, दूसरा कह रहा छोड़ना है, अगले महीने देखता है। लोकल ट्रेन बहुत सही लगती थी मतलब, और जब ना ऐसे फिल्मों में इतना देखा होता है ना, तो हम जब दिल्ली से आते हैं ना, लटक के एकदम एकदम मन में गाने गाने शुरू कर देते हैं, सफर का ही था मैं, सफर का रहा, कह रहे बेटे बैठ जाओ, इधर का ही था उधर का मैं, लटकूंगा अंकल आज। फील आती है तुम, हवा लगती है ऐसे। मैं बस एक लोकल ट्रेन की स्टोरी है एक सुनाता हूँ। आप लोगों ने कॉमिकस्तान देखा हाँ? तो ना कॉमिकस्तान की शूटिंग मुंबई में हुई थी, तो हम सब कंटेस्टेंट्स को ना दो महीने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि हमें ना एक ओपन माइक करने थाने जाना था, तो हाँ, तो मैं, सुमित सौरभ जो आया था, सुमित सौरभ और जोएल डिसूजा, हम तीनों कंटेस्टेंट्स थे उस शो में। तो हमें थाने जाना था और थाने से वापस बैंड्रा आना था एक और जगह परफॉर्म करने। तो किसी ने बोला यार ये आप कैब में जाओ, बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रेन में जाओ। मैंने कहा सही है, ट्रेन में चलते हैं। तो ना वो 5 से 7 बजे का टाइम था और हम में से दो लोग मुंबई के थे भी नहीं, और जो था वो खुद कभी थाने नहीं गया था, जोएल डिसूजा, ठीक है। तो हम अंधेरी में थे, लोगों ने बोला पहले मेट्रो लेके घाट को पहुंचाओ, वहां से लोकल मिलती है। तो वो मेट्रो है ना जो सबसे पुरानी यहाँ चल रही है, कब से, वो वर्सोवा घाट को पर, वो मेट्रो नहीं है यार, वो एसी वाली लोकल ट्रेन ही है वो भाई। उसमें इतनी भीड़ होती है यार, मैं देखा लोगों के पिछवाड़े पे आके दरवाजा रुक जाता है, टंग 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 टंग, बंद नहीं हो रहा, टंग 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 टंग, भाई साहब आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे, शाबाश शाबाश, आगे जाओ, आगे हो जाओ। भाई साहब क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार? दोस्तों अगर ऐसा होता है तो कमेंट करो, सुबह सुबह अगर आप बॉम्बे से हो, बॉम्बे में ये सब सहते हो आप? मैं उसके बाद ऑफिस कैसे चले जाते तुम लोग यार? ये सब सहने के बाद कोई पीपीटी कैसे दे सकता है? मैं मान गया आप लोगों को यार, मान गया मैं आपके जज्बे को, मान गया मैं। और ये इसमें अगर आप पलट जाओ तो ये हो रहा है, क्या करो भाई साहब, क्या करो, हर जगह से ही आप। तो हम चढ़े अंधेरी से, फिर ये हुआ हमारे साथ, फिर हम घाट को पर उतरे। तो किसी ने बोला यहाँ से ना आपको मुलुंड की तरफ जो ट्रेन जाएगी ना वो लेनी है, उसमें थाने आते हैं। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा फास्ट में जाना है, स्लो में जाना है? फास्ट में जाएंगे, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो शहर के नहीं होते हैं, हमारा वाइवा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके वाइवा होना चाहिए हमारा। फास्ट में जाओगे? यस सर। बताओ कौन कौन स्टेशन आएंगे? अपना दादर, बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, आउट, गोरेगांव आएगा फास्ट में, जाओ स्लो में जाओ। तो हमें कहा हम फास्ट में जाएंगे यार, फास्ट में। तो हम फास्ट के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे तो एक फास्ट आई। अब मुझे नहीं पता था वो रुकती भी फास्ट ही है। वो आई, उसमें से लोग चढ़ गए, उतर गए, हम दो चढ़ गए, एक रह गया। फिर जो दो चढ़े थे वो भी कूद के, नहीं नहीं ग्रुप है, एक साथ जाएंगे। हम निकल गए। अब हम अगली फास्ट का वेट कर रहे हैं। इतने में 3 स्लो चली गई पीछे से। मैं क्या टाइम वेस्ट हो रहा है यार, स्लो में चलते हैं यार, चलो। जैसे हम चढ़ने लगे फास्ट आ गई। मैं कहा ये ऑपरेटर देख रहा है ना ऊपर से, ये बंदा बैठ के देख रहा है ना कि हाँ स्लो पे जा रहे हैं, फास्ट कैसे निकल गई, निकल गई वापस आ रहे। आधा घंटा ब्रिज पे घुमाते रहेंगे। मजे लेता है ये शहर आपसे।
तो ना इतने में एक फास्ट आई, अब उसमें ना मुलुंड ने लिखा था, उस पर लिखा था आसा गांव। हमें कोई आइडिया नहीं है कौन सी जगह है, कहाँ का गांव है। तो कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, कह रहा आपको थाने आना है, चढ़ जाओ इसमें। ब्यूटीफुल, ये परफेक्ट ट्रेन है आपके लिए भाई साहब, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेशन ही थाने है। ब्यूटीफुल, एक ही बार चढ़ेंगे एक ही बार उतरेंगे, बार बार होगा भी नहीं कुछ। अब हम तीनों घुस गए किसी तरह अंदर, ठीक है। तो ना अब ट्रेन चल रही है और नेक्स्ट स्टेशन ही थाने था, आई थिंक 10-15 मिनट ऐसे कुछ लगने थे आने में। तो ये सुमित और जोएल, आप देखिए जब लोग कम्यूट कर रहे होते कई लोग ऐसे रैंडम एब्स्ट्रैक्ट बातें करने लग जाते हैं, तो ये दोनों लटके हुए वहां पे। जोएल बोला तो सुमित को कि मान ले तू एक आइलैंड पे अकेला फंसा है और तेरे साथ हमारी ग्रुप की कोई लड़की हो सकती है, तो तू किसको चाहेगा? यहाँ से सुमित, मैं, I don't know man, like Joel, I'm not attracted to anyone like that. मैं क्या कर रहे हो तुम लोग? थाने आने वाले हैं। यार आकाश मैं लड़कियाँ नहीं चूज कर पा रहा हूँ यार, relax, relax आकाश। ओके, इतने में थाने आ गए। तो मुझे तो बस इतना ही याद है कि एक लहर आई और मुझे अपने साथ ले गई। मेरा उस पे कोई कंसेंट था, मेरी टिकट कहां तक की थी, डजंट मैटर। ऐसा उतरा था मैं। हम दोनों ने ऐसे जा रहे हैं, फिर हमने एक दूसरे को देखा, हाँ हाँ, सुमित कहाँ है? सुमित रह गया अंदर, और करो आइलैंड पे लड़कियों के साथ बातें। तो हम बाहर से ऐसे एकदम वो टेंशन में आ गए, मैं कहा सुमित आना। भाई अंदर से आवाज आई, आना तो चाहता हूँ। उस दिन जो मैंने देखा ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुमित इनकमिंग भीड़ में उल्टा खड़ा था, एक जत्था चढ़ा है लोगों का, उसकी छाती पे मुक्के मारते हुए अंदर ले गए। मुझे ये विजुअल याद है। अगर कोई बॉम्बे में रहता है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं। ये शहर कई बार आपको कितना बेबस फील कराता है यार, आप अपनी मंजिल के इतना पास होते हो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते यार। मतलब अगर ट्रेन का एज ये था ना, तो यहाँ खड़ा था वो, ये नहीं कर पाया, ये मुंबई। एकदम फंसा दिया उसको। अब ये ट्रेन ज्यादा चलती नहीं है ना, हमें लगा अब गया तो बातचीत हो रही है। पर उस दिन कुछ तो बकचोदी हुई, उस ट्रेन को क्लियरेंस नहीं मिला। वो खड़ी हुई है 4-5 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर, तो अब बातचीत हो रही है। सुमित मैं कहा भाई आ ना, मेरे जीन्स में एक और आदमी है। What the fuck, आकाश? तो अब जो उसके आसपास लोग लटके हुए थे ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करने लगे। भाई साहब, भैया एक्सक्यूज मी,
क्या है? मेरे को सुनने दो। कौन है रे सुमित? सुमित कौन है? अच्छा तू है। हाँ भैया मैं हूँ, जाने दीजिए ना मुझे प्लीज। प्लीज उसको आंदो, प्लीज वो मुंबई का नहीं है, भटक जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या मैं उतर रहा हूँ सर? खड़ी है ट्रेन, उतर रहा हूँ सर, दोबारा चढ़ जाओ। चल सुमित फिक्स हो गए अब हम। चल सुमित दीवा भाई ले गए उसको अपने साथ। और वो इतनी फास्ट लोकल थी कोई तो, वो किसी दीवा नाम की जगह पहुंच गया। तो बहुत दूर है, उसका फोन आया वहां से, कह रहा भाई दो गुफाएं आई, एक दरिया आया और हरे पहाड़, मुझे लग रहा है मैं गोवा ही पहुंच गया हूं। मैं कहा अच्छा गोवा पहुंच गया तू, अच्छा चल परसों वापस आ जाऊं। और सुन उस आइलैंड पे तेरे साथ लड़कियां हैं? अगर आपको मेरी हंसी या आकाश भाई की और कमेंट्री देखनी है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड सब्सक्राइब की बारिश। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, शायद एक नए, हाँ बिल्कुल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि मैं आप अगले व्लॉग में एक इवेंट पे जा रहा हूँ। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ये कौन मर गया? अच्छा जतिन है, जतिन भाई देख देख लूंगा तेरी वो इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, ठीक है बाय। अगले वीडियो में मैं एक इवेंट पे जा रहा हूँ, बहुत खुफिया इवेंट है, गेस करो कौन सा इवेंट है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।